हमारी तहसील अलग बनाओ, अलग बनाओ, अलग बनाओ, हमारी तहसील अलग बनाओ, अलग बनाओ, अलग बनाओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दोहद आज राजस्थान में सबसे बड़ी पंचायत समिति है। पहले दोहद में 41 ग्राम पंचायत होती थी, आज पंचायत समिति के भवन में सरपंचों को, पंचायत समिति डायरेक्टर को और जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि 58 ग्राम पंचायत करके और सरकार दोहद की जनता को कौन सा सुख देना चाहती है, ये हमें हमारी समझ से बाहर है। और रही सही में दोहद पंचायत समिति में जो दुख जनता भूली भी नहीं थी, आज तहसील कार्यालय दोहद में ले जा करके दोहद की जनता के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। और ये जो अन्याय है ये दोहद की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए और इसी बजट सत्र में दोहद को ग्राम पंचायत, ग्रामीण दोहद अलग बना करके ये जनता के साथ में जनता का भला करे। अदरवाइज दोहद की जनता पहले भी ईंट से ईंट बजा करके अपना हक लिया है, और आगे भी दोहद की जनता ईंट से ईंट बजा करके अपना हक लेगी और हक लेना जानती भी है। हम दोबारा सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार समय रहते ये जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है इस अन्याय को बंद करे और बंटवारे के हिसाब से दोहद को ग्रामीण और दोहद दोनों को पंचायत समिति ये कार्यालय खोल करके और जनता को राहत देने का काम करे। धन्यवाद। आज हम यहाँ शिखर कलेक्ट्रेट पे इकट्ठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। दोहद पंचायत समिति जिसमें 57 ग्राम पंचायतें हैं, उस 57 ग्राम पंचायतों में से लगभग 30 ग्राम पंचायतें जो शिखर शहर के नज़दीक है। राजस्थान सरकार ने अभी 4 दिन पहले दोहद तहसील को दोहद में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारी संघर्ष समिति जो शिखर शहर के नज़दीक लगभग 30 पंचायतें हैं, उनका यही कहना है कि दोहद तहसील जाने से हमें कतई कोई विरोध नहीं है, वहाँ बढ़नी भी चाहिए। पंचायत तहसील मुख्यालय बना हुआ है। हमारी ये मांग है राजस्थान सरकार से और आपके इस चैनल के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि महोदय से भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि शिखर ग्रामीण के नाम से नई तहसील बनाई जाए। और इसके साथ साथ दूसरा निवेदन ये करना चाहेंगे, तहसील मुख्यालय के बाद में शिखर ग्रामीण के नाम से पंचायत मुख्यालय भी नया अलॉट किया जाए, क्यों आज दोहद में तहसील गई है, कल पंचायत समिति भी जाए, ये तय बात है। तो शिखर शहर के नज़दीक जो 20-25 पंचायतें आ रही हैं, उनको बार बार छोटे छोटे कामों जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इस समय बार बार जैसे शिखर तहसील मुख्यालय था उसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए यदि दोहद में जाना पड़ेगा तो एक समय का नुकसान और धन का नुकसान दोनों है। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके छोटे छोटे कामों के लिए बार बार परेशान होने के लिए दोहद में जाना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन यही है कि शिखर ग्रामीण के नाम से नई तहसील मुख्यालय बनाया जाए और आने वाले समय में तहसील मुख्यालय के बाद में पंचायत समिति मुख्यालय भी शिखर ग्रामीण किया जाए, जिससे कि जनहित के लोगों को काफ़ी परेशानी नहीं हो।